अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वीरेन है और मैं फसी दुबई दुबई चैनल के लिए वीडियो बनाता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है एक जॉब के लिए जो एजेंट होते हैं उन एजेंट के बारे में मेरा एक ये छोटा सा ब्लॉग है। आपने तो बहुत देखा होगा वीज़ा के लिए, जॉब के लिए वीज़ा जो देते हैं वो काफ़ी एजेंट्स इंडिया में ऑपरेट करते हैं, अलग अलग कंट्रीज सिटीज़ के अंदर भी हैं और गाँव में भी हैं, बहुत जगह पे मैंने देखा है। उनका जो ऑपरेटिंग का तरीका है वो क्या करते हैं, एडवांस में पैसा लेते हैं। वो बोलते हैं कि मैं जॉब करा दूंगा, मेरी गारंटी है और ये जॉब के लिए बदले में आपको इतना इतना अमाउंट देना होगा। जैसे अगर उन्होंने मांगा समझो 25,000, 50,000, 10,000, 15,000, जो भी एक रकम मांगेंगे और फिर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ बहाना निकाल के वो आपसे एडवांस में पैसा लेंगे। एक बार आपने एडवांस में पैसा दे दिया, समझो आपने एक पार्ट पेमेंट कर दिया, 10,000 रुपया कर दिया या 15,000 रुपया कर दिया, तो समझ लो आप उनके चुंगल में फंस गए, क्योंकि वो अगली बार कुछ और बहाना करेंगे और पैसा बनाएंगे और मांगेंगे। जब तक आप मना नहीं करते हो तब तक वो कुछ ना कुछ बहाना बना के पैसा लेते रहेंगे। आप देते रहोगे आप फंसते जाओगे और फाइनली ये होगा कि आपका पैसा डूब जाएगा। क्यों डूबेगा? क्योंकि सबसे पहली बात तो जो ऐसे लोग होते हैं 90% फ्रॉड होते हैं कि पैसा लेंगे आपसे और जॉब दिलाने की आपको गारंटी देंगे या तसल्ली देंगे या बोल देंगे जॉब हो गया है, बस आप ये फॉर्मेलिटी कर दो, पैसा दे दो, ये वो हर एक चीज़ के ऊपर। अब आप नए हो तो आपके इस चीज़ का फ़ायदा ये उठाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि आपको ज़्यादा प्रोसीजर्स मालूम नहीं है, कौन सी प्रोसीजर्स होती हैं वो आपको एग्जैक्टली नहीं मालूम है, तो वो कुछ नई नई चीज़ें बताएंगे आपको कि ये इस चीज़ के लिए पैसा लगेगा इस चीज़ के से, तो आप मान जाएंगे और शायद आप पैसा दे भी देंगे। तो ऐसा एक रियल में जो किस्सा हुआ है मैं बता दूँगा। मेरा एक व्यूअर हैं, नाम नहीं बताऊँगा, उनके साथ ये किस्सा हुआ। कैसे किया उनके साथ धोखाधड़ी कैसे हुई? सबसे पहले एजेंट ने उनको बोला कि आपका अच्छी कंपनी में जॉब लग जाएगा, मेरे पास बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, आप मेरे थ्रू आ जाओ, दुबई में मैं जॉब करवा दूंगा। अब उनकी ऑफिस है इंडिया में, जो भी एजेंट है उनकी ऑफिस है या नहीं है, घर से ऑपरेट करता है या कहीं किसी जगह से ऑपरेट करता है या कहीं ना कहीं से वो कॉन्टैक्ट करके आपको फंसाएगा। तो उसने क्या किया, उसने बोला मैं 10,000 रुपये लूँगा पहले और आपको मेडिकल कराना होगा, मेडिकल करा के आगे प्रोसीजर बढ़ेगी, जब तक आप मेडिकल नहीं कराओगे तब तक आगे वो कंपनी यस नहीं करेगी, तो आपको पहले 10,000 रुपया भरना ही होगा। तो वो बंदे ने क्या किया, 10,000 रुपया भर दिया, बोल दिया ठीक है 10,000 रुपया ले लो। अब ये बात ध्यान में रखना आप कभी भी कि आप जिस कंट्री में हो, इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या नेपाल में हो या श्रीलंका में हो, कहीं पर भी हो, आपकी उस कंट्री में आपने मेडिकल टेस्ट कराया तो यूएई की गवर्नमेंट उसको मान्य नहीं करती है। यूएई की गवर्नमेंट अपने खुद के गवर्नमेंट के अस्पताल में आपका मेडिकल टेस्ट फिर से कराएगी, तो आप वो रिपोर्ट कराओ या ना कराओ। अगर आप नॉर्मली आप रिपोर्ट भी कराते हैं तो 10,000 रुपया नहीं लगता है, राइट? तो अगर आप रिपोर्ट कराते भी हो तो क्या उसका कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, तो आगे इस टॉपिक को मैं आगे लेके जा रहा हूँ। उस बंदे के साथ आगे क्या हुआ, पहले तो उसने मुझे क्वेश्चन किया कि मेडिकल टेस्ट के लिए 10,000 लगता है और ये ज़रूरी है, तो मैंने बोला ये ज़रूरी नहीं है, 10,000 नहीं लगता है और आपको वहाँ पर कोई पैसा नहीं देना है किसी भी एजेंट को। यहाँ पर आने के बाद आपको कंपनी की तरफ से ये मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, कंपनी उसका खर्चा उठाएगी और आपको वहाँ पे मेडिकल, मतलब यहाँ आने के पहले उधर आप जिस जहाँ पर भी हो वहाँ पे मेडिकल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों करवा रहे हो ये? तो उसने बोला ओके। उसके बाद थोड़े दिन के बाद अचानक उसका मैसेज आया कि मैंने 10,000 रुपये दे दिए एजेंट को और अब वो एजेंट बोल रहा है कि आपका पासपोर्ट हमने यूएई में भेज दिया है, और पासपोर्ट यूएई में भेजने के बाद यूएई की कंपनी ने बताया है कि आपके पासपोर्ट में पीपीसी नहीं है, तो पीपीसी नहीं है इसलिए आपको 7,000 रुपया और भरना पड़ेगा। तो
ये मैसेज आने के बाद मैंने उसको बोला कि पीपीसी क्या होती है। पीपीसी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जब पासपोर्ट में नहीं है। पीपीसी इस चीज़ को बोलते हैं पासपोर्ट की कॉपी। पासपोर्ट की कॉपी अगर कोई मांगता है तो उसको वो बोलता है पीपीसी चाहिए। तो एजेंट आपको चुना लगा रहा है, आपको बोल रहा है कि पीपीसी नहीं है, और ये तो ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है। पासपोर्ट की कॉपी को पीपीसी बोलते हैं। आप पासपोर्ट की कॉपी करा लो और पासपोर्ट की कॉपी भेजो। ओरिजिनल पासपोर्ट क्यों भेजते हो? ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं भेजना होता है। ओरिजिनल पासपोर्ट जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको साथ में कैरी करना होता है। और वीज़ा की प्रिंटआउट, वीज़ा क्या होता है? वीज़ा एक पेज का वीज़ा होता है। एक पेज के वीज़ा को प्रिंटआउट मार के आप साथ में लेके आना है। तो दोस्तों मुझे यही फील होता है कि जैसे जो मैंने एक एग्ज़ाम्पल बताया आपको, जैसे उनको किसी एजेंट ने फ्रॉड कर लिया, उनके साथ चीट कर लिया और उनका पैसा भी, वो बंदे की सैलरी है इंडिया में 10,000 रुपीज़, मतलब 10,000 रुपया वो कमाता है, और पहले एक झटके में उसने 10,000 रुपया गंवा दिया। अब एजेंट बोलता है और 7,000 दो, आपकी पासपोर्ट हमने यूएई में भेजी है, उसमें कुछ फॉर्मेलिटी करनी है। तो पासपोर्ट भेजने के बाद ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती कि जिसमें 7,000 रुपया खर्चा लगे। और सबसे पहली बात तो पासपोर्ट भेजना ही नहीं है आपको, आपको खाली पासपोर्ट की स्कैन कॉपी ईमेल से भेजनी है। स्कैन कॉपी आपको ईमेल से भेजनी है। अगर स्कैन नहीं करवा सकते तो जेरोक्स करके भेजिए, लेकिन पासपोर्ट ओरिजिनल कभी कभी भी आपको नहीं भेजना है। एक बार पासपोर्ट दे देंगे तो वो आप एक इसमें फंस जाएंगे, एक चक्कर में फंस जाएंगे बिना मतलब के, ठीक है? तो आपको पासपोर्ट ओरिजिनल पासपोर्ट किसी को हैंडओवर नहीं करना है, ओके? क्योंकि आप जब ट्रैवल करेंगे आपके हाथ में आपके साथ पासपोर्ट होना ज़रूरी है, इसीलिए आपको सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी देनी है। और पैसा तो एक पैसा भी किसी को एडवांस में किसी के ऊपर विश्वास करके मत दीजिए। क्यों दे रहे हैं पैसा? बर्बाद हो जाएगा, पैसा भी जाएगा और काम भी नहीं होगा। अगर समझो ये इस बंदे ने जो 10,000 रुपया अभी कमा रहा है और 10,000 रुपया उसने खर्चा कर दिया और बोलता है कि 7,000 रुपया और एजेंट को देना पड़ेगा, फिर और कुछ बोलेगा एजेंट, अगली बार बोलेगा और 5,000 रुपया चाहिए, अगली बार कुछ और बोलेगा, ऐसे करके करके जितना पैसा बना सकता है एजेंट। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, लेकिन मेरा इस कमेंट के ऊपर, इस सवाल के ऊपर एक ही जवाब रहेगा कि आप पैसा देके पैसा अपना जाया मत करो, एजेंट का विश्वास मत करो, और जॉब के लिए आप खुद मेहनत करो। बस इसी चैनल को आप फॉलो करते रहिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और फसी दुबई दुबई टीम को अपनी दुआओं में याद रखिए। हम कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं, और हम ये गाइडेंस इसीलिए देते कि हमारे दोस्तों को, भाइयों को कुछ इससे नॉलेज मिले और वो आने वाले खतरों से बच के रहें, ठीक है? तो खुदा हाफिज़, थैंक यू।